वो पहली बात तो आके बोलता नहीं फ्री में काम करने के लिए बोला भी कि सर कम पैसों में कर लूँ क्यों पैसों में घोड़ा घास से धोसी कर लेगा तो खाएगा क्या भाई घर में अगर मूड खराब है डांट वाट पड़ी है सेट पे आओगे हीरोइन को देखोगे तो मूड वैसे ही ठीक हो जाएगा इसलिए हमेशा बोलते चार्ली चैपलिन से बड़ा एक्टर कोई नहीं था क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते थे अदाकारी करने के लिए सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कि अगर एक अपकमिंग एक्टर है जी तो उसको क्या उसको फ्री में काम करना चाहिए ठीक है पहली बात तो यह है कि अगर तो जो आपको फ्री में काम करने के लिए बोल रहा है वो आपका दोस्त है रिलेटिव है बहुत जान पहचान का है आ, उसने आप पे कई बार कुछ फेवर किए हैं पहले आपको लगता है कि मुझे कर्ज तो उतारना चाहिए तो एक बार तो बनता है तो आप कर दीजिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने फ्री में काम किया मैंने बहुत बार काम किया है फ्री में मुझे लगा कि इसको ज़रूरत है यार मैं अगर कर लूंगा तो इसका कुछ भला हो जाएगा या इसके ऊपर मेरे एहसान है पहले के मुझे एक बार चुकाना चाहिए कर देता हूं मैं हाँ लेकिन जिस किसी को मैं जानता नहीं जिससे मेरे कोई ताल्लुकात नहीं कोई संबंध नहीं और वो पहली बार तो आके बोलता नहीं फ्री में काम करने के लेकिन अगर आके बोला भी कि सर कम पैसों में कर लूँ क्यों पैसों में घोड़ा घास से धोसी कर लेगा तो खाएगा क्या भाई और हर अच्छी चीज के कुछ ना कुछ मोल होता है हर अच्छी चीज का आप अपना टैलेंट दे रहे हो उसको बोलो फ्री में मत कर फ्री में चीजों की ना कदर नहीं होती दोस्त फ्री में जो चीज आती है ना उसकी कदर नहीं होती है ना हमें आजादी हम लोगों को तो फ्री में मिल गई हम लोग कदर नहीं करते अपने देश की हमें हमें बहुत संभल के तो फ्री में आई हुई चीजों को ना लोग ध्यान नहीं देते तो पैसा बोलना भैया कम दे लेकिन दे ठीक है मेरा क्वेश्चन एक एक्टर को मूड कैसे बनाना चाहिए जैसे कि तो उसके उसके मतलब यार वही तो एक्टर है जो मूड बना के बात कर <laughs> बापू ने डंडे लगा दिए दूध लेकर आया नहीं बीवी ने ताना मार दिया बच्चों ने फीस मांग ली मूड खराब है सेट पे चले गए रोमांटिक सीन करना है हीरोइन के बालों के साथ खेल के रोमांटिक डायलॉग बोलना है यही तो एक्टर का काम होता है तो खैर इसमें मूड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जब घर में अगर मूड खराब है डांट वाट पड़ी है सेट पे आओगे हीरोइन को देखोगे तो मूड वैसे ही ठीक हो जाएगा <laughs> है ना सुमित तो अपने आप रोमांटिक रोल भी बाहर आ जाएगा और होता क्या है जब मैं वही बोला था यू कॉन्टेक्स में जब आप एक सेट के ऊपर आते हो आपने कॉस्ट्यूम अपना पहन लिया आपका मेकअप हो गया और आप सेट पे आए लाइट्स हैं लोग खड़े हैं आपके को एक्ट्रेस साथ में हैं तो आपका मूड ऑटोमेटिकली बदल ही जाएगा और फिर आपको लाइनें दी गई हैं आपको ये बोलना है तो जब आप एक रोमांटिक लाइनें आपको दी जाती है तो वो अंदर से ही आपके अंदर एक मन मुस्कराने लगेगा जो आपके चेहरे पर दिखने लगेगा और चाहे कितना भी सड़ा मूड हो सुमित भाई आ, काम तो करना पड़ता है हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि यार दिन अच्छा नहीं शुरू हुआ कुछ काम हो गया या कुछ भसड़ हो गई झगड़ा हो गया कुछ कर लिया गाड़ी ठोक दी आते आते कुछ हो गया गाली गलौच हो गई पुलिस कंप्लेंट हो गई सेट पे जा रहे हैं वहां पे बड़ा एक अच्छा वॉर्म रोमांटिक सा सीन करना है तो आपको वो सब कुछ भुलाना पड़ेगा एक एक्टर एक वही है जो फट करके स्विच ऑन हो जाए और स्विच ऑफ भी हो जाए कट हो गया तो फिर आप उस मूड में चले जाइए लेकिन जैसे ही एक्शन होगा आपको सब कुछ भुला के अपने किरदार के अंदर सोचना पड़ेगा उस वक्त आप सुमित कुमार नहीं है उस वक्त आप शायद वो आलोक हो या वो आप, वो आप वो आप वो अशोक हो या आप वो राजीव हो जो आप कैरेक्टर कर रहे हो और यही एक्टर की खूबियत और खासियत होती है और इसमें आपको सारी मदद करती हैं चीजें जब आप सेट के ऊपर पहुंच जाते हैं ठीक है, है भैया सिर्फ मेरे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सिर्फ जैसे जो, जो इंसान होते हैं

तो मेरे ख्याल से वही होता है जब आपके पास डायलॉग होते हैं एक पूरा करेक्टराइजेशन आपको समझाया जाता है आपकी रिहर्सल होती है और मेरे ख्याल से करना भी वही चाहिए जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर का काम हो जैसे लोग मुझे मुझे पर्सनल ज़िंदगी में जानते हैं मैं पर्सनल जिंदगी में बहुत ज़्यादा जोक्स करता हूँ बहुत ज़्यादा मजाक करता हूँ मेरा ह्यूमर भी बहुत डार्क है लेकिन जो मैं रोल्स मैंने शुरू के दस पंद्रह साल तो सिर्फ रोमांटिक रोल्स ही करे उसके बाद मैंने कुछ नेगेटिव करना शुरू किया अब नेगेटिव भी कर लेता हूँ पॉजिटिव भी कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी कर लेता हूँ तो वो एक बार आप जब प्रूफ कर देते हो तो आप कर सकते हो लेकिन आप जैसे नहीं हो और आपको उसके विपरीत अगर कोई कैरेक्टर मिले तो एक्सप्रेशन कैसे लाए तो वहीं पे तो एक्टिंग करने की जरूरत है भैया परफॉर्मेंस तो वहीं पे करना पड़ेगा और आपके पास हेल्प करने के लिए आपके पास डायलॉग है कई बार होता क्या है लोगों को लगता है यार मैं कैसे एक्सप्रेशन लाऊं जब आपके पास जो डायलॉग है ना ये सबसे बड़ा हथियार है जब आप वो डायलॉग बोलोगे तो आपके हाव भाव की अगर आपको ये बोला कि मुझे बहुत दर्द हुआ यार तो आप दर्द पे ना वो दर्द को जब दर्द की तरह बोलोगे ना तो एक्सप्रेशन अपने आप आएगा इसलिए हमेशा बोलते हैं चार्ली चैपलिन से बड़ा एक्टर कोई नहीं था क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते थे अदाकारी करने के लिए वो विदाउट डायलॉग की एक्टिंग करता था इसलिए चार्ली चैपलिन को सबसे महान एक्टर माना जाता है क्योंकि जब आपके पास अल्फाज आ जाए शब्द आ जाए तब तो एक्टिंग करना बहुत आसान है लेकिन गोंगे की एक्टिंग करना जब आपको डायलॉग नहीं एक्सप्रेशन देना वो बहुत मुश्किल होता है तो आई थिंक आपके पास डायलॉग्स होते हैं हेल्प करने के एक्सप्रेशन लाने के लिए रिहर्सल्स होती हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लोग होते हैं कैरेक्टराइजेशन सेट किया जाता है तो इतना मुश्किल नहीं होगा आप मेरे ख्याल से आपने ऐसा किया है आपको लग रहा है मुझे नहीं पता लेकिन जब आप करोगे तो उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आपको लग रहा है ठीक है ओके okay.